आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हम डायरी को अपना एक तरीके से डेली रूटीन में जो हम फॉलो कर रहे हैं और उसको आगे क्या सुधार कर सकते हैं उसमें हम उसको लिखते हैं और कुछ कोटेशन भी रखते हैं जो हमारे ऑप्शनल में और मेन आंसर राइटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने जो है अपना ये शायद एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए यहाँ पर रखा है, उसके बाद डेली रूटीन यानी कि जो डेली ये रूटीन फॉलो करते हैं, देखा है चाहे प्रयागराज हो गया या फिर बहुत सारे इसमें जहाँ भी रहते हैं तो हर जगह जो है वो अपना जो है रूम में हैंगर अलग से नहीं लगाते हैं, सब लोग जो है दरवाजे के पीछे हैंगर अपना टोक देते हैं। सारे लोग बोलते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो लगभग 15 से 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे कि तैयारी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं उन सारी चीज़ों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अभिवांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम पर जिनका नाम इतेश तिवारी है, तो इनके भैया के रूम पर हम आए हैं, तो आज इनका रूम टूर कराएंगे, साथ साथ इनसे बात करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अभी तैयारी के दौरान, तो सब कुछ आज किस वीडियो में जानने वाले, बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अभी हम इनके रूम के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं इनका रूम कैसा है और किस तरीके से इन्होंने अपना रूम मैनेज करके रखा है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भैया जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पहले हम जो है रूम टूर इनका करा देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भैया आप थोड़ा जो है उठिए और अपना रूम टूर थोड़ा करा दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे, धन्यवाद आप सभी का। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम इतेश तिवारी है, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में और मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस ही है और मैं यूपीएससी की तैयारी लगभग एक साल से ज़्यादा समय से कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा अपना रूम टूर वगैरह करा दीजिए, एक साइड से स्टार्ट कीजिए और पूरा आपने क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं वो सारी चीज़ें आप दिखा दीजिए। जैसे पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे, आप थोड़ा इधर चलिए और बुक्स वगैरह के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी बुक्स वगैरह अभी आप पढ़ रहे हैं। जी आप सभी को पता होगा क्योंकि एनसीईआरटी सबसे पहले लोग रखते हैं अपने यूपीएससी एस्पिरेंट के दौरान, तो ये नीचे वाले हमारे सभी एनसीईआरटी के पूरे बुक्स हैं, पूरे लगभग जो भी हमें ज़रूरत समझे उन बुक्स को मैं यहाँ रखा हूँ और बाकी इस साइड में स्टैंडर्ड बुक्स हैं सभी पॉलिटी से लेकर जितने भी हैं, आप सभी को पता होंगे सभी लिस्ट होंगे, तो एनसीईआरटी है और मेरा ऑप्शनल जो है इधर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन इसके सारे बुक्स हैं और रमेश राजेश मिश्रा जी के नोट्स हैं, मैं उन्हीं के नोट्स से पढ़ता हूँ और कुछ मेरे नोट्स हैं, बाकी ये इधर विजन के मंथली मैगजीन्स हैं और इधर प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो दृष्टि के ये सारे प्रैक्टिस सेट आपने मंगवाए थे बाहर से? नहीं नहीं, मार्केट से खरीदे थे जी, बगल में मार्केट है वहीं से खरीदे थे। और बाकी जैसे मैप वगैरह आपने यहाँ पर लगा रखा है तो क्या मैप्स वगैरह हेल्प करते हैं काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, ज्योग्राफी में मैप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि उसके हर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप अगर अच्छा आंसर राइटिंग रखना चाहते हैं तो मैप्स का यूज़ ज़रूर करें जी। और उसके बाद यहाँ आपने टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो डायरी वगैरह रखी है, तो डायरी है कि टैबलेट? टैबलेट है जी, टैबलेट है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि थोड़ा सा मैं डिजिटल तरीके से पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ अपने आप को, तो मैं उसी हिसाब से अपने रूम को मैनेज किया हूँ क्योंकि मैं बुक्स से थोड़ा कम पढ़ता हूँ लेकिन डिजिटली ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो उस हिसाब से मैं टैबलेट का यूज़ करता हूँ न्यूज़पेपर के और मंथली मैगजीन के तौर पर। और बाकी जैसे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी मोटिवेशन कोटेस लगा रखी हैं, अभी हम दर्शकों को पढ़कर जो है सुना भी देते हैं। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही समय है आपको कुछ करने का, तो इसमें आपको नींद वगैरह सब कुछ त्यागनी पड़ेगी तभी आप अपने लक्ष्य तक जो है पहुँच सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपने ये क्या चीज़ें लगा रखी है? हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो PSIR है उसका पूरा सिलेबस है क्योंकि सिलेबस सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए और सिलेबस और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जी। बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी आपने जैसे डेली का जो शेड्यूल होता है वो छोटा सा आपने लगा जी, ये थोड़ा सा ब्रीफ में एक दिन का पूरा कैसे बंटवारा करते हैं टाइम को हम उस तरफ किए हैं, बाकी ब्रीफ पूरा उसको डिटेल में उधर लिखे हैं कैसे दिन रखना है। और बाकी जैसे डायरी वगैरह आप रखे हैं तो डायरी वगैरह मतलब? जी जी, हम डायरी को अपना एक तरीके से डेली रूटीन में जो हम फॉलो कर रहे हैं और उसको आगे क्या सुधार कर सकते हैं उसमें हम उसको लिखते हैं और कुछ कोटेशन भी
सकते हैं जो हमारे ऑप्शनल में और मेंस आंसर राइटिंग में जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जैसे कि ये जो आपने पौधे लगा रखे हैं तो क्या ये लग रहा है प्लास्टिक के मतलब अच्छी वाइब्स के लिए आपने शायद लगा? बिल्कुल वाइब्स अच्छी, जिससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं एक तो नेचर लवर हूँ, एक तरीके से प्रकृति प्रेमी हूँ, और मुझे थोड़ा सा पसंद है हरियाली और थोड़ा प्रकृति के बीच रहना। मैं इसीलिए सुबह सुबह पार्क में भी जाता हूँ, आसपास अगर नहीं जा पाता तो छत पर थोड़ा जाता हूँ सुबह मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, तो मेरा समय बीतता है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर भी आपने मैप्स लगा रखा है, जैसे कि पूरा देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप है, तो ये सारी चीज़ें भी तो हेल्प करती हैं जी। बिल्कुल, वर्ल्ड मैप भी ज़रूरी है और एक पॉलिटिकल इंडिया का मैप और पॉलिटिकल विश्व का भी मैप रहना चाहिए, और एक अपने पास क्या कहते हैं फिजिकल मैप भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें आपको पूरा उसका व्यू दिखता है जी। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने छोटे छोटे ये पेपर्स वगैरह लगा कर रखे, ये क्या चीज़ें हैं? ये हम अपने मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, वहीं को वहाँ पे चिपकाएं जिससे मुझे तत्काल देखने पे याद आ जाए सब जी। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनके रूम में एक बेड ये है और बैग वगैरह यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माता सरस्वती जी की यहाँ पर फोटो लगी है, क्योंकि अभी ये पूरा रूम जो है इनका स्टडी का, यहीं पर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं तो इनकी पूजा वगैरह ये करते हैं, तो फोटो वगैरह लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इनके एक पार्टनर और भी रहते हैं साथ में, तो उनकी भी बुक्स वगैरह यहाँ पर रखी गई हैं, तो इधर उनकी बुक्स हैं। और साथ साथ यहाँ पर आप रूम में देख सकते हैं भारत का संविधान, उसके साथ साथ भारत का इतिहास, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, यानी कि इतिहास के, उसके बाद संविधान के, तो ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ हम दिखाना चाहेंगे इधर में यहाँ पर इन्होंने जो है अपना ये शायद एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए यहाँ पर रखा है। उसके बाद डेली रूटीन, यानी कि जो डेली ये रूटीन फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या किस रूटीन में फॉलो करते हैं, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इनका पूरा डेली का शेड्यूल यहाँ पर लिखा गया, किस तरीके से अपना दिन मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ ये आप लोग देख सकते हैं, यानी कि हमने देखा है चाहे प्रयागराज हो गया या फिर बहुत सारे इसमें जहाँ भी रहते हैं, तो हर जगह जो है वो अपना जो है रूम में हैंगर अलग से नहीं लगाते हैं, सब लोग जो है दरवाजे के पीछे हैंगर अपना टोक देते हैं, तो क्योंकि कमी की वजह से यहीं पर हम लोग को लगाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। जी जी, हम देखें सबकी मजबूरी है, तो सबका यहीं पर लगभग दरवाजे पीछे ही रहता है। और बाकी आपने शीशा भी बहुत अच्छी जगह लगाया, क्योंकि शीशा भी लगभग हम देखते हैं सबका यहीं पे लगता है, यानी जस्ट दरवाजा खुले गेट के बगल में शीशा रहता है। तो दोस्तों अभी हम जो है भैया से जो है बैठकर बात करते हैं और सारी स्ट्रेटजी इनसे जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा भैया का रूम टूर हमने कराया और बहुत सारी चीज़ें रूम में कैसे कैसे मैनेज करके रखा है अपना रूम, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा और बहुत सारी चीज़ें वहां पर भैया ने बताई। और साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने देखा इनका टाइम टेबल क्या है, क्योंकि अभी जो है डेली रूटीन ये क्या फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर लिख के रखा है, तो वो सारी चीज़ें हमने दिखाई। और बड़ा अच्छा हमें ये लगा क्योंकि उन्होंने जो है जैसे हावर्स में टाइम डिवाइड किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे कि अपना टाइम टेबल जब बनाते हैं तो लिखते हैं कि 4 बजे उठना है, 4 से 5 तक ये करना है, 5 से 6 ये करना है, तो अगर इस तरीके से टाइम टेबल कोई बनाता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब आप हावर्स में अपना टाइम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी होती है बहुत सारी चीज़ें करने में। तो भैया से अभी हम बात करते हैं और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो भैया सबसे पहले हमें ये बताइए, जो आप अपनी UPSC की जर्नी है वो हिंदी मीडियम में करें या फिर इंग्लिश मीडियम में? मेरा मीडियम हिंदी है। और उसके बाद हमें थोड़ा ये बता दीजिए, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आप जैसे कि 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको तैयारी करते टाइम, तो क्या आपने अभी एग्ज़ाम्स वगैरह इसका कोई दिया कि अभी तक नहीं? जी मैं 2023 में मेरा 3रा अटैम्प्ट होगा, मैं इससे पहले 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ और उसमें मुझे आसानुरूप सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी रह गई थी इस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन इस कमी को मैं सुधार कर अगले अटेम्प्ट में अच्छे तैयारी करूंगा। तो क्या जैसे कि UPSC की सिर्फ तैयारी करें या फिर PCS वगैरह के भी साथ? जी इसके साथ बात यह है कि देखिए सिलेबस सेम होता है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है, उसके लिए अप्रोच चेंज करना होता है, और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप करिए इसको, केवल UPSC ही दीजिए। और बाकी जैसे कि हम थोड़ा जानना चाहें, क्योंकि अभी हम PCS का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे थे करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में, तो क्या आप अपनी UPSC की तैयारी के दौरान करंट अफेयर का क्या सोर्स फॉलो करते हैं? जी करंट अफेयर का रोल तो होता है, लेकिन आप उस पर ही डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि स्टैटिक को ओवरलैप करते हुए करंट अफेयर रहता है, और इसमें आपको देखना यह होता है कि सबसे पहले आप स्टैटिक पढ़ लीजिए तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, तो आप जो करंट में चल रहा हो, सामयिक घटनाएं हो रही हो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए,
और न्यूज़पेपर के साथ एक मंथली मैगज़ीन, मैं विजन का मैगज़ीन फॉलो करता हूँ और हिंदी मीडियम के नाते मैं दैनिक जागरण को फॉलो करता हूँ। इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर को मैनेज करके चल सकते हैं। तो क्या जैसे कि बहुत सारे लोग जो है क्या है प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी करते हैं, तो आप उसके लिए क्या रणनीति फॉलो करते हैं, जैसे प्रीलिम्स की अलग करते हैं या फिर मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी हो जाता है? नहीं, ये मैं इससे पहले जो अटेम्प्ट दे रहा था उसमें मैं प्रीलिम्स को ज़्यादा वैल्यू दिया था, इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी है मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी कीजिए, और मेंस की तैयारी अगर हो गई है तो आप प्रीलिम्स को, जब प्रीलिम्स 2-3 महीने बचे रहेंगे तो आप उसको अप्रोच चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करके आप उसमें स्विच कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, बस लास्ट में आपको अप्रोच चेंज करना होता है। और बाकी जैसे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करते हैं आप? जी, जो बेसिकली सभी को पता होगा कि GS1 जो है पढ़ने के लिए आप विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी उसके लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है। मुझे तो जो लगा स्पेक्ट्रम ही ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे पहले मैं NCERT को पढ़ाता तो हो जाया था मेरा। और GS2 जो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन जो उसमें साथ जुड़ा हुआ है, पुष्पेश पंत का इंटरनेशनल रिलेशन है। इसके साथ और भी जो है, बाकी अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो मैं विजन के नोट्स से तैयारी करता हूँ। उसके साथ निर्माण IAS का मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मैं वीडियो लेक्चर फॉलो किया था, और विजन के मैगजीन से काम करता हूँ अपना। उसके बाद एथिक्स है, एथिक्स को आप लेक्सिकन के बुक से पढ़ सकते हैं, और उसके लिए कई कोचिंग के नोट्स भी होते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टैंडअप बुक्स की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जैसे ऑप्शनल वगैरह की बात करें, जो आपका PSIR ऑप्शनल है तो उसके लिए आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं? मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो मैं हिंदी मीडियम से तैयारी करने के लिए राजेश मिश्रा सर का नोट्स मैं प्रीफर करता हूँ। उनका मुझे आसानी से समझ आता है, क्योंकि मैं उन्हीं से पॉलिटी भी पढ़ा था, इस वजह से मुझे उनका वर्ड बहुत अच्छे से कैच कर लेता हूँ, तो मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। तो ये दिल्ली के हैं, कहाँ के? उनका बात यह है कि वो दिल्ली में, बेसिकली उनका मेन कोचिंग दिल्ली में है, सरस्वती IAS, और उसके साथ कई और कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, तो वो प्रयागराज में भी उनका सेंटर खुलने वाला है, अभी नहीं खुला है। तो भैया हमें ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग का, हम जब वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आप UPSC की तैयारी करें तो लगभग 15 से 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है लगभग कितने घंटे की पढ़ाई जो है सफिशियंट होती है, या फिर कितने घंटे तक पढ़ा जा सकता है? देखिए, 15 घंटे की अगर पढ़ाई आपने सुना है तो बिल्कुल इस तरीके से आपका दिमाग ग्रैप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग कोई मशीन नहीं है, मशीन भी ख़राब हो जाता है, तो आप 15 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, इसके लिए एक डेडिकेट होकर पढ़ाई करना होता है, जो कि आप मुश्किल से 7 से 8 घंटा पढ़ सकते हैं, तो आप इतना ही पढ़िए और इतना मोर देन सफिशियंट होगा। तो इस तरीके से आप 8 घंटा अगर आप उसको कैच कर ले रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो आप 8 घंटा एकदम आप आराम से पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा। बिल्कुल, आप उसे धीरे धीरे, अगर एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आप उसे 8 से 10 घंटा भी बढ़ा सकते हैं जी। और बाकी भैया हमें ये बताइए, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स या छात्र जो है अपना ग्रेजुएशन करके या फिर इंटरमीडिएट करके इस फील्ड में आना चाहते हैं UPSC या PCS के लिए, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि स्टार्टिंग में उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली आप अगर जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले ग्रेजुएशन हो रहा है तो आप ग्रेजुएशन पर फोकस कीजिए, उन्हीं को अभी पढ़िए, उसके साथ थोड़ा सा न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए, और थोड़ा सा जो करंट अफेयर है उस पर ध्यान देते रहिए। बाकी आप अगर इसके साथ तैयारी भी करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले डेडिकेट होकर फुल माइंड के साथ आइए, और थोड़ा सा सोर्स को अपने मिनिमाइज रखिए, रिविज़न पर फोकस कीजिए, आराम से UPSC बहुत आसानी से हो सकता है इसके लिए, अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही उतरिए इसमें जी। और बाकी भैया जैसे कि अभी सब लोग जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई घर पर रहता है और कोई बाहर रहता है, बाहर रहकर तैयारी करता है, तो जो गांव में रहते हैं या फिर बहुत सारी जगह रहते हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि मतलब हम भी अगर वहां पर जाते हैं तैयारी करने के लिए तो लगभग कितना खर्चा पड़ जाता है, तो अभी आपका रूम का रेंट वगैरह या फिर पूरा हम जानना चाहेंगे कि आपका तैयारी के दौरान लगभग मंथली बजट कितना पड़ जाता है? प्रयागराज में तो अफोर्डेबल होता है एक तरीके से, आप चाहें तो यहाँ पे 3,000-4,000 जैसे रूम मिल, आपके हिसाब से भी रूम मिल जाते हैं। तो मेरा रूम जो है ये 3,500 का एक रूम है, मैं पूरा पूरा अपार्टमेंट ले लिया हूँ, तो इसमें मुझे 7,000 देना होता है, जो कि लगभग शेयरिंग में हो जाता है, तो मेरे हक में जो आता है वो 1,800 आता है। इस तरीके से आप भी यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, अगर नहीं आप प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, ना दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, डिजिटली भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ से आपके सिचुएशन के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। बस मन में एक ये स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखिए कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी जैसे आपका पूरा मंथ का बजट कितना पड़ जाता होगा? मंथली मेरा बजट 5 से 6 हज़ार करीब आता है जी। और बाकी जैसे कि तैयारी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं उन सारी चीज़ों से? सबसे पहले मैं अगर ये मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस फील्ड में किस लिए आया हूँ इसको ध्यान रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे अपने माता पिता को भी इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ इस पढ़ाई के लिए योग्य समझा और मैं यहाँ पे उन्हीं के वजह से हूँ। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि मुझे भी एक मतलब कि IAS के पिताजी का ख्वाब था उनका भी, तो बड़ी बात। और मैं सोचा था कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, इसके लिए मैंने अपना DLED भी पढ़ा किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मास्टर्स हुआ, उसके बाद मैं UPSC की तैयारी में आया। इस बीच हमारे घर से ही चाचा के लड़के SDM पोस्ट पर अभी उनका नियुक्ति हुई थी, तो घर में भी इस तरीके से माहौल अगर रहता है तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता रहता है। माता पिता के आशीर्वाद से आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कीजिए और उन्हीं के सपने को पूरा साकार करने के लिए UPSC का एग्ज़ाम अब दीजिए जी। तो हमारी तरफ से और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत सारी जो अग्रिम भविष्य की आप तैयारी अभी कर रहे हैं और आप जरूर सिलेक्ट हों, तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एक बाइट लिया जी, धन्यवाद आप। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने भैया का रूम टूर कराया और साथ ही साथ ये क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करते हैं और साथ साथ जो है अपनी UPSC की तैयारी यहाँ प्रयागराज में रहकर करें तो इनका कितना मंथ का बजट आ जाता है, तो सारी चीज़ें हमने वीडियो में डिस्कस की। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, भैया का एक यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग एक बार जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर ये जो है UPSC से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।